मोदी कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों का खास ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इसकी झलक भी दिखी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला विस्तार बुधवार को किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश और गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल से एक तीर से कई निशाने साधे हैं। मंत्री बनाने और हटाने में नेताओं की योग्यता, पार्टी के प्रति उनका समर्पण और सबसे ज्यादा राज्यों में होने वाले चुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह पार्टी ने कई राज्यों के चुनावी समीकरण के हिसाब से नेताओं को पद दिया। नारायण राणे उसमें एक बड़ा नाम है, जिन्होंने आज सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखती। नारायण राणे के मंत्री बनने की खुशी महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में भी देखने को मिली, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को नई जिम्मेदारी मिलने का जश्न मनाया गया। बीजेपी में आने से पहले मराठा नेता नारायण राणे शिवसेना और कांग्रेस में रह चुके हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से आते हैं, जिसका असर मुंबई तक है। नारायण राणे को मंत्री बनाकर बीजेपी की कोशिश कोंकण शिवसेना के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की है। नारायण राणे को मंत्री बनाने का फायदा मिलने की उम्मीद बीजेपी बीएमसी चुनावों में भी कर रही है। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूं। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। मोदी सरकार में नारायण राणे भले ही पहली बार शामिल हो रहे हों, लेकिन सर्बानंद सोनोवाल की मोदी कैबिनेट में दोबारा वापसी हो रही है। सर्बानंद सोनोवाल पहले केंद्र में मंत्री थे, जो बाद में असम के मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बावजूद पार्टी ने सोनोवाल की जगह हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। सर्बानंद सोनोवाल प्रधानमंत्री के पसंद के नेताओं में शुमार है। ऐसे में उनकी कैबिनेट में वापसी की उम्मीद सबको थी। मुझे देश की हमारे आदर्श बड़ी नेता, हमारे सब के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दूसरी बार के लिए भारत माता को सेवा करने के लिए मौका दिया है, अपने कैबिनेट में जगह दिया है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मोदी के काम करने के स्टाइल को समझने वालों का मानना है कि महत्वपूर्ण राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट के विस्तार को वो एक संदेश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए समाज के सभी वर्गों को एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। डेढ़ घंटे चले शपथ ग्रहण में जिन 36 नए मंत्रियों ने शपथ ली, उसमें सबसे ज्यादा 7 उत्तर प्रदेश से हैं और फिर 5 गुजरात से। दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी से कैबिनेट में जगह बनाने वालों में महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल, जालौन से सांसद भानु प्रसाद वर्मा, खीरी से सांसद अजय कुमार, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा और मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा व्यक्त किया है और दी है, मेरी कोशिश होगी मैं अपनी क्षमता के अनुरूप उसके साथ न्याय कर सकूं। इससे पहले भी आप राज्य मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं, इस बार आप क्या देखती हैं, कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरीके की उम्मीदें हैं आपको? कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मैं इतना ही कहूंगी कि जो भी पोर्टफोलियो मुझे मिलेगा मैं उसके साथ न्याय करने की कोशिश करूंगी। दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ। चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल में सूरत के वनवास को भी खत्म कर दिया है। बीजेपी के लिए अहम इस शहर में पिछले 18 सालों से कोई भी मंत्री नहीं था, इसीलिए जब यहां से सांसद दर्शना जरदोस ने दिल्ली में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली, तो सूरत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।
जैसे ये तो कोई पहले से तय नहीं था और ये एज ए सरप्राइज बहुत बढ़िया लग रहा है और परिवार में हर एक लोग खुश है। आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है तो सूरत की जनता और कार्यकर्ता आज बहुत ही खुश है दर्शनाबेन को सांसद में जिस तरह मंत्रिमंडल में समावेश उनका हुआ है। गुजरात और उत्तर प्रदेश बीजेपी के मिशन 2024 को लेकर अहम है, इसकी झलक मोदी के नए मंत्रिमंडल की इस तस्वीर में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।